तो इंट्रो के लिए आपको सबसे पहले अपनी थर्ड फिंगर रखनी है सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे और अपनी सेकंड फिंगर रखनी है थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे। उसके बाद आपको स्ट्रिंग्स बजाने हैं 2 3 1 और उसके बाद 1 3 2। यही दो सीक्वेंस पेयर में रिपीट होंगे, इसका मतलब 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 3 2। अगर आप केपो इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको अपना केपो लगाना है गिटार की फोर्थ फ्रेट पर। तो उसके बाद इंट्रो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले आपको बजानी है सेकंड स्ट्रिंग ओपन, फिर थर्ड, उसके बाद अपनी फर्स्ट फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट यानी केपो लगने के बाद फर्स्ट फ्रेट प्रेस करनी है स्टार्ट से, सेकंड, थर्ड, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, इसके बाद वही नोट फिर से बजाना है, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन। तो यही दो सीक्वेंस फिर से पेयर में रिपीट होंगे, मतलब कि इंट्रो के साथ बैकग्राउंड में जो कॉर्ड्स यूज हुई है वो है सी शार्प माइनर, बी मेजर और ए मेजर। तो ये तीन कॉर्ड्स बजाने के साथ आपको अपने राइट हैंड से पाम म्यूटिंग भी करना है। पाम म्यूटिंग यानी कि आपको अपने राइट हैंड का पाम यूज करके यहां से स्ट्रिंग्स को म्यूट भी करना है। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, सबसे पहले सी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर पकड़ने के बाद डाउन स्ट्रोक्स देने हैं अपने राइट हैंड से और साइमल्टेनियसली उसको म्यूट भी करना है राइट हैंड के पाम से। तो वो कुछ ऐसा होगा, डाउन 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 डाउन। इसके बाद शिफ्ट होना है बी मेजर पे, इसके बाद ए मेजर और फिर से बी मेजर। तो ये पूरा कुछ ऐसा हुआ। Down, up, down, up, down, up, down, up.
Thank you.